यरूशलम। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक कदीम जगह जहाँ पे उनकी इबादत गाहें मौजूद हैं। मुसलमानों के लिए ये इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पे बैतुल मक़दस जो है वो मौजूद है, जो कि मस्जिद अल-अक्सा कहलाई जाती है। और अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे यहूदियों की एक बहुत बड़ी पावर रह चुकी है, क्योंकि पहले जब जितने भी अंबिया कराम रसूल आए वो सारे जो थे वो बनी इसराइल कौम से मौजूद थे, जो कि यहूदियों के लिए रसूल थे। ईसाइयों के लिए ये इसलिए ख़ास जगह है कि यहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पे उठाया गया है, और इसलिए कि चर्च उन्होंने उनकी याद में बनाया है और आज भी इसमें वो इबादत करते हैं। इसी तरह यहूदी जो हैं वो यहाँ पे एक दीवार किरिया है जिसके पास खड़े होकर इबादत करते हैं ताकि उनकी जो खताएँ होंगी वो माफ़ हो जाए और उनकी हुकूमत वापस आ जाए। आज लोग इस गोल्डन मीनार वाले एकल को जो है मस्जिद अल-अक्सा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बिल्कुल सामने मस्जिद अल-अक्सा है, और मस्जिद अल-अक्सा एक कंपाउंड का नाम है जिसमें 5 मस्जिद जो आपको मीनार वाली नज़र आ रही है, तो ये है मस्जिद अल-अक्सा। और बेसिकली इसमें 5 मस्जिद हैं, तो हम फर्दर जो है अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है क़िबला अव्वल है, इसलिए मुसलमानों की बहुत ज़्यादा अहमियत की हामी है। वीडियो देखने का शुक्रिया।